सतना जिले के बहुचर्चित अकाउंटेंट हत्याकांड के मास्टरमाइंड जेडी और उसके गैंगस्टर साथी सुभाष यादव को सतना पुलिस ने शहर के सेंट्रल जेल पहुंचाया। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को यूपी से सतना लेकर आई। दोनों यूपी की जौनपुर जिले में बंद थे। इन दोनों पर सर्किट हाउस चौराहे के पास स्थित सेंट्रल बैंक के सामने दिन दहाड़े शराब कंपनी के अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या करने और 15 लाख रुपए लूटने के आरोप हैं। सतना पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर सेंट्रल जेल भेज दिया है। दोनों शातिर अपराधियों को सतना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर यूपी की जौनपुर जेल में सतना लेकर आई। यहां अदालत ने दोनों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड के दौरान पुलिस की पूछताछ पूरी होने के बाद जेडी और सुभाष को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 6 मार्च 2023 को शराब कंपनी के अकाउंटेंट संजय सिंह की सेंट्रल बैंक के सामने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने उसके पास से लगभग 15 लाख रुपए भी लूटे थे। दिन दहाड़े भीड़ भरे क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात ने लोगों का दिल दहला दिया था। इस मामले में यूपी के बदमाशों का कनेक्शन सामने आने पर सतना पुलिस की टीम यूपी भी भेजी गई थी, जहां जौनपुर पुलिस की मदद से आरोपी आनंद सागर यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। मास्टरमाइंड जेडी घटना के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने कोलकाता में पकड़ लिया है। तब से यह यूपी की जेल में थे। सतना पुलिस तभी से उसे सतना लाने का प्रयास कर रही थी।